नाजरीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तो मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है, मैं टिकलगुंटे का रहने वाला हूँ। मैं चार मीनार पे बिजनेस करता हूँ साहब, फारूक भाई और रईस भाई के पास। और उन लोगों के पास से ज़्यादा फाइनेंशियल की वजह से, मेरी जिम्मेदारी करनी बढ़ने की वजह से मैं अलग बिजनेस कर रहा हूँ कारोबार। उन लोगों के पास करता हूँ, साहब कमीशन पे माल देते थे, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन करने की वजह से उन लोगों को देखा नहीं जा रहा, जलन असद हो रही, टाइगर ही कर रहे हैं वहाँ पर। आखिर हाई कौन आ क्यों कौन है पता नहीं। जो कर रहे हैं उनका फारूक भाई और रईस भाई है, और उन लोग है किसके बलबूते पे उड़ रहे हैं मालूम नहीं। टाइगर ही कर रहे हैं। अब मैं मेरा ओन कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस, मेरी भी जिंदगी है। ऐसे कई जने हैं वहाँ पे चार मीनार पे फिर हैं साहब, अब इन लोगों की वजह से ऐसा नहीं कर सक रहे हैं कारोबार। उन मैं ओन कर रहा हूँ, अब उन लोग मेरे को धमकी आ दे रहे हैं, मार रहे हैं। मेरा ओन कारोबार कर रहा हूँ तो करता हूँ तेरा काम, ये वो बोल के बोल रहे हैं। आखिर क्यों समझ में नहीं आ रहा मेरे को। परसों मार दिए मेरे को, वहाँ पे गया था मैं दोस्त के पास, लेके आके मार दिए मेरे को दो जने, नाक फूट, नाक फारूक भाई और रईस भाई दोनों मिलके मार दिए, फूट और नाक फूट गई मेरी। मेरी हॉस्पिटल PS ने भी मैं रिपोर्ट कराया, बोले साहब जेल होती बोल के उन लोग को, मालूम नहीं कब होती क्या, आखिर कैको कर रहे हैं क्या कर रहे हैं पता नहीं। और सुहेल कादरी साहब से भी गुजारिश है, उन्होंने भी सबको बंडिया वालों का ख्याल कर दिए, अभी भी कर दिए तो अच्छा है और भी लिए। अब ऐसे खामोश बैठे तो आज मेरे साथ हुआ कल दूसरे के साथ होता, इस वजह से मैं ये रिपोर्ट दे रहा हूँ साहब। और सुहेल कादरी साहब और मुमताज़ अहमद खान साहब अगर आके गए तो अच्छा रहता था, ठीक है ना सर। उन लोग भी टिकलगुंटे में रहते, कज़न ब्रदर है मेरे, उन लोग भी वहीं रहते, थोड़ा कार्रवाई करे तो सबसे तक कार्रवाई करो साहब। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई, मैं इनका बड़ा भाई हूँ ताज बल के। परसों नाहक के फारूक और रईस बल के दोनों मिल के टाइगर ही कर रही। बच्चा अलग कारोबार करना तो अलग कारोबार, नहीं करना ही नहीं, यहाँ नहीं दिखने देता हूँ, यहाँ पर नहीं करना कारोबार कर रहे। कहीं को बोले तो उनको मामूल देते थे और पहले भी मामूल ले रहे थे, लगा पिछले 3 साल से मामूल ले लेते आ रही, रोज के 1000 रुपये अलग ले लेते आ रहे हैं साहब। और माल इलों का ही लेना, इलों का ही कारोबार करना बोल रहे हैं ये लोग, और बैगों के पीछे 50-50 रुपये कमीशन ले रहे हैं ये लोग। ये लोग चामनार के सामने इनके 12-12 दुकाना है सर, 12-15 दुकाना है ये लोग के, और हर बच्चे से मामूल लेते ये लोग। और कोई बोला तो किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे ये लोग, और ये लोग को मारते करते डराए रही, और बच्चों को यहाँ दिखने नहीं देते बोल के बोल रहे हैं ये लोग, और टाइगर ही कर रहे हैं दोनों फारूक और रईस मिल के। पहले भी कोई कंप्लेंट किए थे गैंग के नाम से? नहीं, पहले तो कोई नहीं दिए थे सर, क्योंकि क्या है हर बच्चे का जितने भी कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर सबका हक है, सबको कमाना है, सब गरीब लोग हैं फिलहाल, इतने परेशान है लोग कहाँ के, खाने को खाना नहीं है साहब किसी के पास भी। ऐसे हालातों में इन लोगों को 1000-1000 रुपये हम कहाँ से देंगे साहब, लगाए 100 दिन भी देना, नहीं लगाए 100 दिन भी इनको 1000-1000 रुपये देना बोल के जा रहे हैं लोग, ये तो डरा रही। और पर तुम घर पे भी हमला कर दिए इनको मार के, वहाँ पर भी आगे बल्ला वालों को ले लेके ठहर के हम लोग को फ़ोन करके बुला रहे हैं, तेरे को भी मारता हूँ, उसको मारा, कौन गाता अंधो, वो कर रहे हैं, 30-35 लोगों को लेके ठहर रहे हैं, टाइगर ही बता रहे हैं, ऐसा ऐसा जुलम कर रहे हैं साहब गरीब लोगों पर ये लोग। हमारा चामनार बिंद्रीफ कॉम्प्लेक्स के सामने है साहब कारोबार हमारा, पर्सों का है सर, लेडीज पर्स का स्टॉल है अपना, मंडियां लगाते, मंडियां लगाते और माल वो लोग से लेना कहते, जगह वो लोग की कहते। हम इतने साल से बर्दाश्त कर लेते आ रहे हैं सर, पर तुम भाई को बहुत बड़ा मार दिया सर, मुंबई से नाक में से खून गया, ऐसा करेंगे तो नहीं होगा ना सर। कंप्लेंट दिया, हम कंप्लेंट दिए सर, एक्शन लिए साहब, यहाँ पर हुसैनी आलम PS में आए हम लोग, एक्शन लिए बोल रहे हैं साहब। उसके बाद क्या है, जेल करते बोल के बोल रहे हैं साहब, क्या करते की नहीं करे साहब, आए PT चालन बोल के डाल दिए खाली, उसके बाद में छोड़ दिए साहब, कुछ एक्शन नहीं लिए। उनको मार के 5-6 दिन हो गए साहब, कुछ एक्शन नहीं लिए वो लोग के ऊपर। आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ होता साहब, पूरे मासूम बच्चे हैं वहाँ कारोबार रोजी रोटी कमाने वाले हैं साहब, ऐसा इन लोगों का जुलूम करेंगे, पहलवानी बताएंगे, बच्चों पे नाहक के मारेंगे, तू उन्हें कुछ दिखने नहीं देता हूँ, वो करने नहीं देता हूँ बोलता, ये गलत है साहब। आइए बड़े हमारे सुहेल खादरी, हमारे गौस कांदर साहब, हमारे MLA साहब, जो जो है आइए, एक एक को एक एक बंडी दीजिए, जो हक है उनका, जिसके पास कार्ड है आप आइए बरोबर आके देखिए, देखिए आए सबकी तहकीकात कीजिए, आप हक पे लड़िए, आप ऐसा कुछ नहीं है, खाली बिली ना हक के गरीब लोगों को जीने नहीं दे रहे हैं साहब, वहाँ पर के लोग ऐसा तकलीफा दे रहे हैं साहब। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब, बड़े जो जो MLA है, DCP साहब है, कमिश्नर साहब है, हमारे MLA कॉरपोरेटर जो जो है, अब उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि सबका हक है वहाँ जीने का, सबका कारोबार करने का है, और आप लोग आइए तहकीकात और कार्रवाई कीजिए, और बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, गरीब लोगों के साथ ऐसा जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त से सख्त एक्शन लीजिए सर, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम।